फिर से स्वागत है मेरे चैनल में सुरभि द इंडियन गर्ल। आज हम जा रहे हैं शिवा ढाबा, जो मामा यादव का है और जिसके ओनर हैं मामा यादव जी। वैसे तो बेसिकली हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन शिवा ढाबा जो है, स्पेशली जो मामा यादव वाला शिवा ढाबा है, उस पे बीच में रुकना तो बनता ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं रुके तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है, अगर आप आज तक यहाँ नहीं रुके हैं तो। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे जाएंगे और क्या क्या करेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, और ये परांठों के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये NH 24 हापुड़ वाली रोड पे पड़ता है और बाबूगढ़ में पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मामा यादव लिखा हुआ है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा कार खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत पब्लिक रहती है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, ये 24 आवर्स ओपन रहता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली से बैक हो रहे हैं मुरादाबाद या बरेली की साइड, तो ये 70 किलोमीटर्स पड़ता है, और अगर आप मुरादाबाद से आ रहे हैं तो 80 किलोमीटर्स पड़ता है। फिर से स्वागत है मेरे चैनल में सुरभि द इंडियन गर्ल। आज हम लोग आए हैं एक बाबूगढ़ के बहुत ही फेमस ढाबे पे, जो है शिवा ढाबा, और इसका मामा यादव के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो आइए मैं आपको सारी चीजें दिखा दूँ। वैसे तो देयर आर सो मैनी शिवा ढाबास, बट मामा यादव इज द मोस्ट ऑथेंटिक। It offers deadly combination of paranthas, dahi and chai. It is a must visit place with friends and families. चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ मेन्यू, और दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने में। एक तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि प्योर वेज ढाबा है, ये प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पे नॉन वेज कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। नाश्ते की बात करें, सूप्स की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, आप देख सकते हैं। और अगर आपको खाना खाना है तो पनीर की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप यहाँ पे आएंगे, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम आए। बट मैं अपना पर्सनल सजेशन दूंगी कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ का परांठा ही बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उसे ज़रूर ट्राई करें। इसका हेड ऑफिस तो बाबूगढ़ में ही है, लेकिन आप अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसकी ब्रांच एक सोनीपत में भी है, मूर्खा सोनीपत हरियाणा में भी है, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं।
खाना खाने के बाद अगर आप लोगों का आइसक्रीम खाने का मन करे तो यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम का भी काउंटर लगा हुआ है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके आगे अगर आपको स्वीट डिश खानी है, आइसक्रीम नहीं खानी है, तो आप पेठा भी ट्राई कर सकते हैं। और आगरा का पेठा सबसे ज़्यादा फेमस होता है, तो उसका भी काउंटर यहाँ पे अवेलेबल है और उसकी बहुत ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और अमूल की आइसक्रीम भी अवेलेबल है, अमूल का भी काउंटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास चॉइस है आइसक्रीम की, आप कौन से ब्रांड की आइसक्रीम खाना चाहेंगे तो आप वो खा सकते हैं। यहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी फैसिलिटी जो यहाँ पे प्रोवाइड है वो वॉशरूम्स हैं, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के वॉशरूम अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा साफ हैं, बहुत हाइजीन मेंटेन किए हुए हैं। उसके बराबर में एक बहुत बड़ी सी शॉप है जहाँ पे सारी सौंफ वगैरह या फिर हर चीज़ के चूरन वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे खाने के लिए। किसी भी तरीके का आप सौंफ ले सकते हैं, चूरन ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए टॉय शॉप भी है वहाँ पे और गेम्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं जो बच्चे खेल सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के गेम्स ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए होम डेकोर के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है कि आप आके खा भी सकते हैं और हर चीज़ यहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। होम डेकोर के आइटम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे एक चूरन की अलग ही शॉप है, बादल चूरन है, पेन ऑयल है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बादल जो बादल का चूरन बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है हर चीज़ के लिए, तो उसकी एक अलग से काउंटर है और उसकी अलग अलग चीज़ें भी मिल रही हैं, जैसे कि पेन ऑयल मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और सिर्फ आइसक्रीम ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुल्फ़ी भी अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने खुद ट्राई की थी तो कुल्फ़ी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप आएँ तो इसको भी ट्राई करें। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, सोडा पीना है तो आप सोडा भी पी सकते हैं। शिकंजी की अलग शॉप है तो वहाँ पे आप शिकंजी बनवाइए और शिकंजी पीजिए, तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं, गर्मियों में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन घूमने के लिए अगर हम भी कहीं जा रहे हैं तो बीच में यहाँ पे रुकेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। तो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ और बाय, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।